सो फाइनली गाइस, बाबा कुछ मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा सा। बाबा कुछ बोलिए मंदिर के बारे में। ये उल्लासवनी का पहाड़ है, इसके अंदर एक गुम्फा है, इसको उल्लासवनी गुम्फा बोला जाता है। जाजपुर के पल्ली मौजा के बालीचंद्रपुर थाना के आपका बड़चना विधानसभा में जाता है। यहाँ पर संत अरविंददास महाप्रभु 1750 से 1850 के अंदर में यहाँ पधाए। माता उल्लासवनी की साधना की, थोड़े दिन के बाद उनका यहाँ पर समाधि हुआ। वही समाधि इस वट वृक्ष के पास था। बाद में वही साधु संत यहाँ पर आए, समाधि का पूजा किया। पूजा करके वहाँ से मठ की स्थापना हुई। संत अरिहंत महापुरुष गंजाम जिला के दिग्गज पंडित राज परिवार के पद्मनाभ देव, राजा पद्मनाभ देव के बड़ा बेटा वीरभद्र देव 17 साल की उम्र में साधु के सेवा के लिए केला की पत्ता काटने के लिए गए थे और एक माता ने उनको बताया, घर से अंदर के बोला, कौन है रात में मेरे बारी में पत्ता काट रही हो, तुम कौन सा अरिहंत हो? अरिहंत के नाम के बारे में बोलते तो अरिहंत के नाम में जो अरिहंत का नाम है उड़ीसा में, उसका नाम के प्रभाव तो अर्थ है जिसका कोई नहीं, जिसका कोई घर नहीं द्वार नहीं, इसका कोई माता नहीं पिता नहीं, अरख्य के रूप में घूम रहता रातों दिनों में, कहाँ पर बिठता कहाँ पर सोता कहाँ पर खाता कुछ भी नीति नियम पे नहीं था। उसके बाद माता ने आकर बाहर आकर के बोला, राजकुमार तुम क्यों यहाँ पत्ता कटे लो, मेरे को क्या क्षमा कर दीजिए, मेरा दोष हो गई। लेकिन अरिहंत ठाकुर ने बोला, नहीं माता, मेरा बचपन में मेरा अज्ञान अवस्था में मेरे नाम दिया था पिता माता ने वीरभद्र देव, अभी आपने मेरे को जो नाम दिया अरिहंत, वही नाम पे मैं संसार में घूमूंगी। इसके बाद वहीं से उनके नाम अरिहंत दास हो गया। वो दासपण में संन्यास रूप में घर से निकले आए 17 साल की उम्र में, और समुद्र के किनारे से घूमते 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 पुरी आए, खंडगिरी आए, आपके नीलमाधव गए, आपके जोजी गुम्फा गए, इस तरह घूमते 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 सरला के पास आए, तो सरला के बाद पारादीप आए, पारादीप के बाद केंद्रापड़ा आए, केंद्रापड़ा से नदी में इसी बगल में एक जगबरी नदी है, वही नदी पे नाव पे यहाँ पर पधाए। और जब नीचे पहुँचे तो उनको कुछ भक्त ने बोला, बाबा ऊपर मत जाइए, वहाँ पर चंडी है, वो खा जाएगा आपको। चंडी में माता की पूजा हो रही थी, जो माता की स्थापना हुई थी, जो बोला उल्लासवनी गुम्फा बोला जाता है, वो चाइनीज कल्चर के मंदिर है, हमारे इंडियन कल्चर के मंदिर नहीं। इसीलिए हमको सोचे कि ये जो उल्लासवनी गुम्फा है वो चाइनीज कल्चर, जो बुद्धिस्ट मान जब ललितगिरी में बौद्ध विहार किया था तब यहाँ पर यही गुम्फा की स्थापना हुई थी, माता की पूजा हो रही है। इसीलिए उनके बाद तो जो संसार में आता है वो तो चले जाता है, उसके बाद बौद्ध विहार तो तोड़ गया, लेकिन गुम्फा रहेगी क्योंकि पहाड़ के ऊपर में था, बस स्ट्रांग के पत्थर में तैयार रहा था, इसलिए यहाँ पर गुम्फा है। तो इसके बाद तो अरिहंतदास ने बोला, हाँ बेटो मैं ऊपर जाऊँगी, माता मेरा रक्त पिया तो इससे खुशी और कुछ नहीं होगा। माता मेरे को खाकर यदि खुशी हो सकता है तो और क्या खुशी है, मेरे रक्त के लिए तो माता है ना, माता मेरे को जन्म दिया, माता मेरे को खा जाएगा, ठीक है मैं ऊपर जाऊँगी। तो ऊपर आए, माता की संतुष्ट किया, यहाँ पर आए। इसके बाद उनका थोड़े दिन में समाधि हो गया। वहीं से माघ कृष्ण पक्ष एकादशी में ये जो समाधि का दिवस है उसको उल्लासवनी मेला के रूप में यहाँ पर पालन किया जाता है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं, बाहर से बहुत से लोग आते हैं, यहाँ पर मेला लगती है, 8-10 दिन तक मेला लगती है। और भोग के लिए भगवान अरिहंत की पोड़ पीठा और खीर गईठा, दूध की गईठा बोलते हैं वो उड़ीसा में, वही को भोग लगता है। और भी
जो कुछ भी यहाँ पर लाए गए भोगर के लिए यहाँ पर समर्पित हुआ, क्योंकि वो राजपुत्र थे, उनको मांगना नहीं आता, जहाँ जो जांच के देता है वो उसको ग्रहण करते हैं, इसके लिए उसको अवधूत पंथी बोला जाता है। यही है संत बाबा की थोड़ी सी कहानी।